नमस्कार साथियों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अतिथि शिक्षक से संबंधित टॉपिक पर। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है एक शाला एक परिसर। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके समस्या एक शाला एक परिसर से संबंधित टॉपिक पर है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपकी समस्या कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इस वीडियो में जरूर क्लियर होगी। ये मुझे विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। तो आज जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि जो अतिथि शिक्षक 1 से 5 तक हैं, यदि वहाँ पर 30 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी पर एक अतिथि शिक्षक की भर्ती होगी, 40 विद्यार्थियों पर 2 यदि वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर नहीं है, और इस प्रकार प्रत्येक 20 पर एक अतिथि शिक्षक की भर्ती होना है। वहीं माध्यमिक में मिनिमम कितने भी छात्रों 3 अतिथि शिक्षक की भर्ती होनी है। लेकिन जब आप अपने प्राचार्य जी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर यहाँ पर 1 साल 1 परिसर के तहत जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय थे वो 1 हो चुके हैं। अब हमारे प्राथमिक विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, माध्यमिक विद्यालय में 1 शिक्षक है, इस कारण से हमारे माध्यमिक विद्यालय में भर्ती नहीं होनी है। या प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, माध्यमिक विद्यालय निरंक है, तो यहाँ पर हमारे अब अतिथि शिक्षक की भर्ती नहीं होनी है। अधिकांश अतिथि शिक्षक के साथ ये घटना घटित हो रही है। तो जहाँ तक आप यदि आदेश को अच्छी तरह से देखती हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में 20 शिक्षक पर 1 अतिथि शिक्षक भरा जाएगा। माध्यमिक विद्यालय में यदि शिक्षक हो, उसमें 1 साल 1 परिसर का जिक्र नहीं किया गया कि आपका 1 साल 1 परिसर के तहत यदि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है तो वो माध्यमिक में माना जाएगा, क्योंकि विषय हमारा टीचर हर विषय क्लास में होना अनिवार्य है। जो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है वह माध्यमिक विद्यालय के लिए यदि वो क्रमोन्नति कर चुका है या उसने अपनी जो एजुकेशन है वह कंप्लीट कर रहा है तो माध्यमिक को वह पढ़ा सकता है। लेकिन यदि वह प्राथमिक का तो माध्यमिक में नहीं के लिए वहाँ पर अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी। यदि यहाँ पर 2 टीचर हैं तो माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पर 3 शिक्षकों की भर्ती अलग से होगी, वो भी अतिथियों की। तो प्राथमिक के लिए अलग निर्देश है, माध्यमिक के लिए अलग है। आप यदि उसे अच्छे से नियमावली को अध्ययन करें तो उसमें आप देखेंगे कि माध्यमिक यदि निरंक है तो माध्यमिक भर्ती होगी। उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि 1 साल 1 परिसर के तहत यदि प्राथमिक विद्यालय में अतिथि गवर्नमेंट टीचर है और माध्यमिक विद्यालय में नहीं है तो प्राथमिक विद्यालय के गवर्नमेंट टीचर माध्यमिक विद्यालय में कार्य करेंगे तो वहाँ पर माध्यमिक भर्ती नहीं होगी। और जी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है स्पष्ट तौर पर, जी आप अच्छे से आदेश देखेंगे, क्योंकि जो माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय के छात्र शिक्षक हैं वो प्राथमिक के लिए हैं। यदि वहाँ पर छात्र संख्या अगर प्राथमिक में 90 है और गवर्नमेंट टीचर 2 हैं तो वहाँ पर प्राथमिक में भी 1 अतिथि शिक्षक भरा जाएगा, और माध्यमिक कितने भरे जाएंगे, 3 भरे जाएंगे। तो प्राथमिक का माध्यमिक के अतिथि शिक्षक से कोई संबंध नहीं है। और आप सभी लोगों से एक मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, यदि आपके साथ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप लिखित में असहमति मत दीजिए। आपसे वो असहमति पत्र मांगेंगे तभी आपके स्थान पर नए गेस्ट टीचर की भर्ती करेंगे। तो आप लिखित में असहमति मत दीजिए और समय से पहले पोर्टल आप देखते रहिए और देखते रहिए कि किसी दूसरे विद्यालय में भर्ती हुई है कि नहीं हुई है। और यदि आप दूसरे विद्यालय में भर्ती हुई है या पोर्टल पर आपके स्थान का किसी का नाम आ गया तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं अपने बड़े अधिकारियों से, वहाँ पर जाकर उनसे बात कीजिए कि श्रीमान जी ऐसी ऐसी समस्या है, हमने सहमति पत्र नहीं दिया है, हमारे अतिथि शिक्षक पर दूसरा कार्यरत है। बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे निर्देश हैं कि जो अतिथि शिक्षक जिस विद्यालय में था यदि वहाँ पर 7 संख्या कंप्लीट है और उसकी भर्ती होने की ज़रूरत है तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक भरा जाएगा, ऐसे सरकार के नियम हैं। तो आप समय समय पर पोर्टल चेक करिए, समय समय पर आप दूसरे विद्यालय की जानकारी लीजिए। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक शाला में शिक्षक पदस्थ तो वो माध्यमिक के लिए कार्य करेगा, ऐसी कोई नियमावली में नहीं कहा गया है। और ना ही ऐसा है, हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय में 3 शिक्षक हैं तो फिर भर्ती नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में भले 1 छात्र हो वहाँ पर 3 शिक्षक भर्ती की जाएगी, ऐसा नियम है, वो भी
किस क्रम में की जाएंगी। सबसे पहले किस क्रम गेस्ट शिक्षक की भर्ती की जाती है, इस पर हम शीघ्र ही अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज का एक वीडियो था, एक साला एक परिसर में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था किस प्रकार है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में अतिथि शिक्षक से संबंधित प्रत्येक टॉपिक कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।